गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इन थर्ड क्लास। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना फाइव लेसन, जो एक पोइम है प्रिटी सून। प्रिटी सून का मतलब है सुंदर, प्रिटी यानी सुंदर, मून यानी चंद्रमा, यानी सुंदर चंद्रमा के बारे में बता रही है। कल फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उन रिक्त स्थानों को अंदर, रिक्त स्थानों के अंदर आपको कोई को देखना है, कौन की लाइनें हैं, बीच बीच के अक्षर मिसिंग हैं, उनको आपको लिखना है। ओ फिर का स्थान है एट द मून, तो इसके अंदर आ जाएगा लुक, ओ लुक एट द मून, अरे चंद्रमा की ओर देखो, अरे लुक एट द मून यानी चंद्रमा की ओर लुक यानी देखो। सी इज खरिस्तान अप देयर, सी इज खरिस्तान अप देयर, सी सी का मतलब है यहाँ पे चंद्रमा क्रिया है, सी सी खरिस्तान, सी इज खरिस्तान अप देयर, तो ऊपर आकाश के अंदर चंद्रमा चमक रहा है, तो सी इज शाइनिंग, शाइनिंग आ जाएगा इसके अंदर, सी इज शाइनिंग अप देयर, आपके कोई के अंदर छोटी लाइन है, सी इज शाइनिंग अप देयर यानी वह आकाश में ऊपर चमक रहा है। लास्ट खालिस्तान सी वाज स्मालर, यानी पिछले सप्ताह है वह लास्ट वीक, खालिस्तान में रहेगा वीक, लास्ट वीक सी वाज स्मालर, यानी पिछले सप्ताह है वह छोटा था, स्मालर, स्मालर का अर्थ हो जाएगा छोटा, तो इसके अंदर वीक आ जाएगा, पिछले सप्ताह है वह चंद्रमा छोटा दिखाई दे रहा था, बट अगला देखो बट नाउ, लेकिन अब सी हेज खालिस्तान बिगर, लेकिन अब सी हेज खालिस्तान बिगर, तो इसका ये लाइन है आपकी बट नाउ सी हेज ग्रोन बिगर, लेकिन अब वह है बड़ा हो गया है, तो इसके अंदर ग्रोन आ जाएगा, यानी बड़ा होना, विकसित होना। अगला क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू, यदि आपका वाक्य सही है तो उसके लिए टी लिखोगे, और यदि आपका वाक्य गलत है, राइट राइट टी फॉर ट्रू, यदि आपका वाक्य सही है तो उसके लिए टी लिखोगे, एंड एफ फॉर फॉल्स, यदि आपका वाक्य, यदि आपका सेंटेंस इज फॉल्स, इज रॉन्ग, देन यू राइट एफ, देन यू राइट एफ वर्ड, ओके। फर्स्ट है द मून इज शाइनिंग अप इन द स्काई, द मून यानी चंद्रमा इज शाइनिंग यानी चमक रहा है अप इन द स्काई, चंद्रमा ऊपर आकाश में चमक रहा है, तो चंद्रमा ऊपर आकाश में चमक रहा है, दैट इज राइट, इसलिए ट्रू, ट्रू आ जाएगा इसके अंदर। सेकंड है द मून लुक्स लाइक ए बो इन द एयर, द मून यानी चंद्रमा लुक्स यानी दिखाई देता है लाइक ए बो, एक धनुष के समान इन द एयर यानी हवा के अंदर, ये आपके अंदर आपके पॉइंट के अंदर ये लाइन गलत लाइन है, लेकिन वहां पर ये बो इसकी जगह लेंथ है, इसलिए ये गलत है आपका। द मून लुक्स लाइक ए लैंप इन द एयर, अगर इसी आपकी कुछ सही था, लेकिन यहाँ पर आ गया बो, इसका मतलब ये फॉल्स है। लास्ट वीक द मून वाज बिग, अभी ऊपर देखा था आपने, लास्ट वीक सी वाज स्मॉलर, इसलिए ये लाइन सही है, लेकिन अगर ये लाइन बिग वाली आती है तो ये फॉल्स है, लास्ट वीक द मून वाज बिग फॉल्स आ जाएगा। नाउ द मून हैज ग्रोन बिगर, नाउ द मून हैज ग्रोन बिगर, अब यह चंद्रमा काफी बड़ा हो गया है, ठीक हो जाएगा, सही है, होमवर्क करके लाना है आपको। कल अगले लेसन के लिए लिखाएंगे।